बच्चे तो बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बना रहे हैं। देखिए तुमने क्या बनाया। आहा, तुमने तो बहुत अच्छे फूल बनाए हैं। किस रंग का फूल है तुम्हारा? लाल रंग का है, पीला भी है और गुलाबी है। शाबाश। और सूरज भी है ऊपर। सूरज किस रंग के? पीले रंग के हैं। सूरज जो है इन्होंने पीले रंग का बनाया। बहुत अच्छा बनाया। रजत तुमने क्या बनाया? मैंने गुलदस्ता बनाया है। रजत ने फूलों का गुलदस्ता बनाया है। अरे वाह, किस रंग के फूल है रजत तुम्हारे गुलदस्ते में? लाल रंग के फूल है। और पत्तियां किस रंग की है? हरी। हरे रंग की पत्तियां। और जो फूलदान है ये किस रंग का है? भूरा। भूरे रंग का फूलदान है। शाबाश, लो तुम इसको पूरा करो। और तुम्हारा देखे रितिका क्या है? रितिका ने नाव बनाई है, पानी में चलती हुई नाव। और तुमने किस रंग का पानी बनाया? किस रंग की नाव बनाई? नीले रंग का पानी है और उसमें नीले रंग की नाव है। और एक कमल का फूल भी खिला है। किस रंग का? गुलाबी रंग का। शाबाश, ये लो तुम भी इसको पूरा करो। अब देखे तुषार ने क्या बनाया। तुषार ने बनाया है पहाड़ और नदी। तुम्हारे पहाड़ किस रंग के तुषार? भूरे रंग के पहाड़ हैं। और नदी का पानी नीले रंग का है, है? और लाल रंग का सूरज है। शाबाश, लो तो तुम लोग के पास बहुत सारे रंग हैं। जी, है ना? कौन कौन से रंग है तुम्हारे पास? काला, पीला, भूरा, हरा, गुलाबी। शाबाश, बहुत सारे रंग हैं तुम्हारे पास। लेकिन एक बात बताओ, जो रंग तुम्हारे पास हैं, इन सब के अंग्रेजी नाम तुम लोग जानते हो? नहीं मालूम दीदी। नहीं पता? चलो अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम तुम लोगों को इन रंगों के अंग्रेजी नाम बताएंगे। जानना चाहोगे? जी दीदी। चलो ठीक है, तो हम अभी सिखाते हैं और तुम लोग ध्यान से इसको सीखना। जी दीदी। तो यहाँ देखो, सबसे पहले ये बताओ कि ये जो गोला है ये किस रंग का है? लाल रंग का गोला है। शाबाश, ये तो तुम सबको पता है। अब ये बताओ कि लाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। लाल को कहते हैं रेड। क्या कहते हैं? रेड। रेड की स्पेलिंग होती है आर ई डी, रेड। क्या होती है? आर ई डी, रेड। शाबाश, रेड कौन सा रंग होता है? लाल रंग। अब अगर कोई लाल रंग कहेगा तो तुम क्या कहोगे? तुम जानते हो ये कौन सा है? रेड कलर। कौन सा? रेड कलर। अच्छा अब ये बताओ, लाल रंग की कौन सी चीजें होती हैं? टमाटर, सेब, गाजर। शाबाश, लाल रंग का फूल होता है, टमाटर होता है, गाजर भी लाल होती है। और क्या होता है लाल? सेब होता है लाल। तो ये देखो हमने तुम्हारे लिए क्या बनाया, लाल रंग का ये क्या है? टमाटर। शाबाश, ये क्या है? टमाटर। किस रंग का है? लाल। और इसको हम क्या कहते हैं? रेड। शाबाश, ये रेड कलर का टमाटर है। आप बच्चे बताओ ये कौन सा रंग है? पीला। ये तो पीला रंग है, ये तो तुम सब जानते हो। पीले रंग की कौन सी चीज होती है? आम, केला। हाँ, केला भी होता है। सरसों भी पीली होती है। शाबाश, लेकिन पीले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? येलो। क्या कहते हैं? येलो। येलो की स्पेलिंग होती है वाई ई एल एल ओ डब्लू। क्या होती है? वाई ई एल एल ओ डब्लू, येलो। येलो कौन सा रंग होता है? पीला। शाबाश, अब तुम लोगों ने पीला रंग भी सीख लिया। और ये देखो पीले रंग का क्या बना है? सूरजमुखी का फूल। ये किस रंग का होता है? पीले रंग का। और गेंदे का फूल बच्चों देखा है तुमने? गेंदा भी पीला होता है। कौन सा पीला रंग होता है? येलो। क्या कहते हैं? येलो। शाबाश, अब देखो ये कौन सा रंग है? ये कौन सा रंग है? गुलाबी। ये तो गुलाबी रंग है और बहुत प्यारा रंग है, ठीक है? गुलाबी को इंग्लिश में कहते हैं पिंक। क्या कहते हैं? पिंक। इसकी स्पेलिंग होती है पी आई एन के, पिंक। क्या?
PINK पिंक क्या होता है, कौन सा रंग? गुलाबी। और पिंक कलर में क्या होता है सबसे सुंदर? फूल होता है। ये देखो गुलाबी कितना प्यारा फूल बना है। जैसे तुमने देखो कमल का फूल बनाया अपने कागज में, किस रंग का बनाया था? गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग के फूल बहुत प्यारे होते हैं। अब देखो कौन सा रंग आया, ये कौन सा रंग है? काला। काला रंग है। काले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं मालूम। ब्लैक, ब्लैक सुना है? BLACK ब्लैक। बोलो BLACK ब्लैक। ब्लैक कौन सा रंग होता है? काला। शाबाश। अब ये बताओ कि काले रंग की कौन सी चीजें होती हैं? कोयला काला होता है। ब्लैक बोर्ड भी काला होता है। हाँ, कोयल भी काली होती है। और कौवा काला होता है। और तुम्हारे बाल किस रंग के हैं? काले। तुम लोग जब स्कूल जाते हो तो जूते पहन के जाते हो, किस रंग के पहनते हो? काले जूते। ये देखो क्या बना है, काला कौवा। किस कलर का कौवा है? काला है। जो अभी हमने क्या सिखाया, कौन सा कलर है? ब्लैक कलर का कौवा है। शाबाश, तुम लोग तो बहुत जल्दी सीख रहे हैं। आप बताओ ये कौन सा रंग है? ये तो सब जानते हैं। हरा। हरे रंग की कौन सी चीजें होती हैं? पत्ती। अंगूर भी हरा होता है। घास भी हरी होती है। शाबाश, तोता भी हरा होता है। ये कौन सा रंग है? हरा। लेकिन हरे रंग को क्या कहते हैं? ग्रीन। हरे रंग को कहते हैं ग्रीन। ये देखो ये लिखा है ग्रीन। इसकी स्पेलिंग है GRE EN ग्रीन। बोलो GRE EN ग्रीन। ग्रीन कौन सा रंग होता है? हरा। हरे रंग को कहते हैं ग्रीन। और हरे रंग का ये क्या है? पेड़। किस रंग का है? हरे। हरे रंग का है। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ग्रीन कलर का पेड़ है। कौन से कलर का पेड़ है? ग्रीन कलर का पेड़ है। शाबाश। अब बच्चों बताओ कि ये कौन सा रंग है? नीला। ये है नीला रंग। नीला रंग तो सबको अच्छा लगता है। किसी किसी के स्कूल की ड्रेस भी नीले रंग की होती है। जी। अब नीले रंग को इंग्लिश में कहते हैं ब्लू। क्या कहते हैं? ब्लू। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? BLUE ब्लू। क्या होती है? BLUE ब्लू। ब्लू कौन सा रंग होता है? नीला। अब ये बताओ कि नीले रंग की क्या चीज है? आकाश होता है नीला। बादल भी कभी कभी नीले लगते हैं। और जब तुम लोग ड्राइंग बनाते हो तो पानी किस रंग से करते हो? नीले से करते हो। और आसमान भी नीले से करते हो। तो ये देखो नीला आकाश आ गया, है ना? आसमान है, नीला दिखता है। समुद्र भी नीला दिखता है क्योंकि पानी है, नीले रंग का लगता है। तो ये कौन सा कलर हो गया? ब्लू। क्या स्पेलिंग हुई? BLUE ब्लू। शाबाश, ब्लू हो गई। ये कौन सा रंग है? सफेद रंग है। सफेद रंग को तुम लोग जानते हो ना, लेकिन ये बताओ कि इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं व्हाइट। क्या कहते हैं? व्हाइट। की स्पेलिंग है WHITE व्हाइट। क्या स्पेलिंग है? WHITE व्हाइट। व्हाइट कौन सा रंग होता है? अंडा। नहीं, रंग सफेद। शाबाश। सफेद रंग की क्या चीजें होती हैं? अंडा सफेद होता है। सितारे भी सफेद होते हैं। बादल भी फूल भी सफेद होते हैं। शाबाश। और रुई देखिए, रुई भी सफेद रंग की होती है। तो ये देखो क्या है सफेद रंग का? अंडा। कौन सा रंग है ये? सफेद। इसको क्या कहते हैं? व्हाइट। व्हाइट कलर का अंडा है ये। अब ये देखो कौन सा रंग है? भूरा रंग है। भूरे रंग को कहते हैं इंग्लिश में ब्राउन। क्या कहते हैं? ब्राउन। इसकी स्पेलिंग होती है BRO WN ब्राउन। BRO WN ब्राउन कलर होता है कौन सा?
भूरा। भूरे रंग की कौन सी चीजें होती हैं? पेड़। हाँ, पेड़ का जो नीचे का हिस्सा होता है मोटा, वो भूरे रंग का होता है, जिससे लकड़ी बनती है। और ये देखो भूरे रंग का दरवाजा है ना। और भूरे रंग की क्या चीजें होती है? कुर्सी होती है, मेज होती है, गमला भी होता है। लेकिन भूरे रंग को क्या कहते हैं? ब्राउन। शाबाश। इसकी स्पेलिंग याद है किसी को? बी आर ओ डब्ल्यू एन, ब्राउन। शाबाश। तो आज तो तुमने बहुत सारे रंग सीख लिए। सीखे कि नहीं सीखे? याद है? जी दीदी। हम पूछे बता पाओगे? जी दीदी। चलो हम पूछते हैं। तुषार आप बताइए कि काले रंग को क्या कहते हैं? ब्लैक। ब्लैक। शाबाश। इसकी स्पेलिंग क्या है? बी एल ए सी के, ब्लैक। वेरी गुड। देखा इसने कितना बढ़िया बताया ब्लैक की स्पेलिंग। अब तुम मुझे बताओ कि लाल रंग को क्या कहते हैं? रेड। रेड। इसकी क्या स्पेलिंग है? आर ई डी रेड। शाबाश। आर ई डी रेड। रेड मतलब लाल रंग। और रजत आप बताइए हरे रंग को क्या कहते हैं? ग्रीन। ग्रीन कहते हैं। इसकी क्या स्पेलिंग है? जी आर ई ई एन, ग्रीन। शाबाश। जी आर ई ई एन, ग्रीन। ग्रीन कौन सा रंग होता है? हरा। हरा जो कि तोते का होता है, पत्ते का होता है, घास का होता है, अंगूर का भी होता है। और अब आप बताइए आयुषी कि येलो कलर किसको कहते हैं? पीला। पीला। शाबाश। और येलो की स्पेलिंग क्या होती है? वाई ई एल एल ओ डब्ल्यू। शाबाश। वाई ई एल एल ओ डब्ल्यू, येलो। येलो मतलब पीला रंग। तो आज तुमने बहुत सारे रंगों के अंग्रेजी नाम सीखे। जी दीदी। याद रखोगे? जी दीदी। चलो ठीक है, अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम तुमको और भी बहुत सारी नई नई बातें बताएंगे। ठीक है? जी दीदी।